यूपी का चुनावी रण जीतने के लिए भाजपा लगा रही पूरा जोर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों जनता से खुद को जोड़ने के लिए पार्टी का जनाधार बढ़ाने हेतु निकाली गई जन विश्वास यात्रा का आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा राजधानी लखनऊ के दुबग्गा क्षेत्र में समापन किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं का हौसला चरम पर था। सभी एक स्वर में 300 से ज्यादा सीटें दोबारा सरकार बनाने का दावा कर रहे थे। इसी क्रम में हमारे संवाददाता सुखपाल सिंह ने विधायक सुरेश चंद तिवारी कैंट विधानसभा क्षेत्र, पार्षद सुशील तिवारी पम्मी ब्लॉक प्रमुख काकोरी से बातचीत की। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। विश्वास यात्रा निकाली जा रही है, क्या लगता है उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है? इसका प्रभाव देख रहे हैं हम लोग, 300 पार जीतने वाले हैं। जैसा हमारे नेतृत्व का मेहनत चल रही है, आज जन विश्वास के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता पूरा विश्वास कर रही है। आज आप देख लीजिए कि लोग बुलाते हैं उसमें तब भी नहीं जा पाते हैं लोग, क्योंकि उनकी नीतियों से सहमत नहीं है। हमारी नीतियों से सहमत है, जो हम लोगों ने कहा उसको पूरा किया है। और आज भी गरीबों को संकट काल में जो उन अन्न का वितरण किया गया फ्री में, हमारी गरीब जनता बहुत खुश है, उसको लेके वो संघर्ष करती रहती है। विरोधी दलों की जो तैयारियां चल रही हैं उसको आप किस रूप में लेते हैं? वो अब विरोध की जो उनकी भावनाएं हैं उसमें थोड़ा बहुत तो भाई हरकत करेंगे ही, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं है। कोई जनता नहीं ने उनको पूरी तरीके से नकार दिया। दादाजी ये बताइए, जन विश्वास यात्रा निकल रही है, उससे कितना विश्वास आपने जनता का अर्जित किया और क्या लगता है आपको, क्या स्थिति रहेगी पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी 325 से ज्यादा सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। बाबा योगी उत्तर प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, इसमें आपको क्या लगता है विरोधी दलों की जो तैयारी है उसमें आप कहां तक उसको देखते हैं? उन सभी की जमानतें जब्त होने वाली है। मतलब जहां जहां आपने यात्राएं निकाली आपको जनता का समर्थन मिला? जहां नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभाओं में कम से कम 350 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतकर उत्तर प्रदेश में पुनः सरकार बाबा योगी के नेतृत्व में बनाएगी। ये बताइए, जो जन विश्वास यात्रा निकाली जा रही है किस हद तक कामयाब हुई है? भाई साहब, हम लोग देश के सेवा और समर्पण के भाव से हमारी पार्टी कार्य कर रहे हैं और प्रत्येक घर तक कोई ना कोई लाभ पहुंचाया गया है। इसलिए हम सब लोगों के बीच में जाकर जन के विश्वास को पहले तो बराबर जीतते आ रहे हैं और समस्त आम जनमानस का भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिलने वाला है। सपा बसपा का भी जो वोट है भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। हम लोग प्रचंड बहुमत से 300 पार जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी।